ये देखिए इतने सारे गिफ्ट हैं जो मंदिर से आज स्वधि को मिले हैं। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर। आज मंदिर ऐसा लगा जैसे पता नहीं कौन से कोने में पहुंच गया है। माता दी जय माता दी। स्कूल चालू हो चुके हैं तो पंडित जी हमारे थोड़ा जानकार थे, उनको बोल दिया है कि आप प्रसाद बांट दीजिएगा। आज तो हम यहाँ पर आए हैं तो देखो दिन दिख रहा है पूरा, आज सही टाइम पर आए हैं हम लोग। आज के जमाने का 2024 का 1 2 3 सुबह का हाल ये है, इस बार तो यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा है बच्चा, क्योंकि स्कूल सबके चालू हो चुके हैं। वो बनाया था भोग लगाने के लिए तभी। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, गुड मॉर्निंग। आप सभी को अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज यहाँ पर अष्टमी है और मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने सुबह से ही तैयारियां करनी चालू कर दी है। सुबह उठ गई थी 6:30 बजे और नहा के सबसे पहले मैं किचन में आ गई हूँ ताकि जल्दी से भोग बन पाए। और मंदिर भी जाना है आज और शाम को दुर्गा पूजा में भी जाना है, सोचा है कि वहाँ पर जाएंगे और थोड़ा कल्चरल प्रोग्राम का भी इवेंट इंजॉय करेंगे। ये मैडम सबसे पहले हाय कर लो। सदी तुम्हारे बश क्या है, देखो बश आप भी नहीं क्या जी, बशी बशी करके आ गए भैया। जय माता दी बोल दो। जय माता दी जय। अभी इसको बस नहलाना रह गया है, मैंने सोचा लास्ट में नहलाऊंगी क्योंकि रेडी होने के बाद ना इसमें बिल्कुल वेट नहीं होता है कि जाने के लिए, एकदम ऐसा बोलते हैं लेट्स गो मम्मा लेट्स गो, जाओ अभी आप खेलो मम्मा, मम्मा इज मेकिंग खाना, जय जय खाना फॉर यू। तो मैंने अभी बस हलवा चढ़ाया है, हलवा बन रहा है साथ के साथ यहाँ पर, और मैं दिखाती हूँ क्या क्या तैयारियाँ हो चुकी हैं। इसमें मैंने चढ़ाए हैं काले वाले चने, अभी चढ़े मतलब उबलने वाले हैं, फिर उसके बाद में इसमें मसाला मिक्स करूँगी। इसमें मैंने चढ़ाई है आलू टमाटर की सब्जी और यहाँ पर बन रहा है हलवा। तो बस अभी इसको ज़्यादा देर लगेगी नहीं, हल्का सा भुन गया है ये, फटाफट सबसे पहले यही रेडी हो गया, उसके बाद में मैं पूड़ी बनाऊँगी। अभी पूड़ियाँ मेरी सिक चुकी हैं और यहाँ पर मैं छौंकने जा रही हूँ चने को, और आपने तो देखा ही सब्जी एकदम रेडी है, हलवा एकदम रेडी हो ही चुका है, बस मुझे पूजा करनी है। पूजा की तैयारी हो गई है, ये बच्चों के लिए जो गिफ्ट्स लिए हैं ये अलग से दे दूंगी, फल रख दिए हैं और पैकेट्स मुझे अभी पैक करने हैं जो कि नहीं किए हैं, और भोग तैयार हो गया है और यहाँ पर मेरी माता रानी की बस पूजा करनी रह गई है। ये करने के बाद में यहीं पर स्वधि को थोड़ा मुँह झूठा कर दूंगी। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तैयार हो गई हूँ और बस पूजा करने के बाद हम लोग मंदिर के लिए निकलेंगे। स्वधि को भी नहला के रेडी कर दिया है और उसने क्या पहना है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ, पहले पूजा कर लेती हूँ भोग लगा देती हूँ। और वैसे जनरली ऐसा होता है कभी कभार वहाँ पर लक्ष्मी नारायण मंदिर आज हम लोग जा रहे हैं, जिसको नहीं पता बता देती हूँ, और जो लोग ने कभी पहले देखा नहीं है वैसे जनरली हम लोग उसी टेम्पल में जाते हैं। तो वहाँ जाने के बाद में ऐसा होता है कि अष्टमी को आज तो जैसे वीकडे है तो लोग आते हैं नहीं आते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, वहाँ लड़कियाँ मिल जाती हैं, कन्याएं मिल जाती हैं वहाँ, छोटी से बड़ी एज की हर एक एज की, और शाम के वक्त भी कन्या पूजन होता है। एक बार मैंने शाम को किया, एक बार मैंने सुबह किया है। सामान रख लिया है घर से बाहर, मैं खड़ी हूँ इंतजार कर रही हूँ, मैं आए थोड़ी देर चलेंगे मंदिर में जल्दी से, बस कन्या पूजन करके वापस आना है, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। और साथ के साथ स्वधि रेडी हो चुकी है और ये प्रसाद और ये सब जो देने लेने का वो सब मैंने रख लिया है। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर। आज मंदिर ऐसा लगा जैसे पता नहीं कौन से कोने में पहुँच गया है, और एक तो दिन के टाइम में आए हैं, हर एक स्टॉप पर गाड़ी रुकती है, मतलब बस रुकती है, बार बार सबको पिकअप ड्रॉप करते करते इतना दूर लगा कि आज हमको 1.25 घंटा लगा पूरा आने में, एक नींद और हो जाती ऐसा लगता है, बस फिर उस टाइम ऐसा लगता है कि यार कहाँ रह गया मंदिर। मंदिर पहुँच गए हैं, थोड़ा एनर्जी लानी पड़ेगी वापस,
पूजा का काम करना है जो करने आए थे। साधु अरे मेरी माता रानी, साधु आ गई तुम जय कराने। जल्दी चलो जल्दी चलो। सुबह का हाल ये है, इस बार तो यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा है बच्चा, क्योंकि स्कूल सबके चालू हो चुके हैं और हमने तो सर्दी की छुट्टी करा दी थी। स्कूल चालू हो चुके हैं तो पंडित जी हमारे थोड़ा जानकार थे, उनको बोल दिया है कि आप प्रसाद बांट दीजिएगा और पैकेट्स भी बना के रख दिए हैं, पॉलीथिन में सारे गिफ्ट्स रख दिए हैं। अब हम लोग घर निकलेंगे आधा घंटे के अंदर, बट हाँ ये काफ़ी शांति शांति लग रही है। शाम को माता की चौकी है इसीलिए चौकी सजी हुई है, और शाम को ही फिर कंजक होंगी इसीलिए। तो प्रसाद रख दिया है, आशीर्वाद ले लिया है, अब हम जा रहे हैं घर। तो घर पर आ चुके थे हम लोग करीबन 3:30 बजे तक, और अभी थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद जय जय भगवान जी जा रहे हैं। अच्छे से रेडी हुई हूँ और फोटोज वगैरह मैं लास्ट में डाल दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा कि मैंने किस कलर की साड़ी पहनी है। बट अभी तो ठंड से बचने के लिए ये हम लोगों ने जैकेट पहन लिया है, और वैसे ये वाले कलर की साड़ी आपने देखी होगी, हमेशा मैंने एक दो बार पहनी है पहले भी ब्लॉग में। और शाम को तैयार हो गए हैं, आज का जो प्लान किया था वो तो प्लानिंग हो नहीं पाई है क्योंकि आपको पता ही है अब, लेकिन जैसा माता रानी को पसंद वही सब हो जब भगवान की इच्छा, इसीलिए प्रसाद रख के और भोग का लगा के सब कुछ हम तैयारी करके आ चुके थे। और मैं हो चुकी हूँ अभी रेडी, शाम को जाएंगे वहाँ पे दर्शन कराएंगे और वहाँ थोड़ा कल्चरल प्रोग्राम एंजॉय करेंगे फिर घर आ जाएंगे। आज तो हम यहाँ पर आए हैं तो देखो दिन दिख रहा है पूरा, आज सही टाइम पर आए हैं हम लोग, 6 बजे आरती होती है और इसी टाइम थोड़ा सा दिन रहता है ना तो ठीक है। रात में कल हम लोग को लौटते लौटते 10:30 हो गया था, और थोड़ा रात में अंधेरा भी जाता है ना, और अब ठंड आ गई है तो थोड़ा सा लगता है कि यार सही टाइम पे घर पहुंच जाओ, रात में ठंडा और बढ़ जाता है, हवा बढ़ चलने लग जाती है। तो अभी तो सही टाइम पे आए हैं, दर्शन करेंगे और थोड़ा बाहर इस जो नेचुरल लाइट है इसमें अच्छे अच्छे फोटोज क्लिक करेंगे। आज इन्होंने पहना है कुर्ता, हमारी छोटी ने पहनी है फ्रॉक यही वाली जो सुबह मंदिर पहन के गई थी। पहुंच गए वैसे, यहाँ से 15 मिनट पहुंचने में तो लगता है, लेकिन उसके बाद में करीबन 500-700 मीटर वॉक करना पड़ता है जो हम अभी वॉक करके जा रहे हैं, तो इसलिए अगर दिन होता है तो जाने में कोई दिक्कत नहीं लगती है। पहुंचते हैं अंदर, आरती तो हो गई होगी, 6 बजे का टाइम था, और दिखाते हैं क्या प्रोग्राम स्टार्ट हुए हैं। आप क्या तलाश रहे हो है? हमेशा बैक को आगे पीछे कुछ ना कुछ करे पड़े। अच्छा रहने दीजिए, आप बैग का तो ऐसे संभाल करते हैं कि मत पूछिए, एक केस हो चुका वैसे भी, उसके बाद तो ऐसा लगता है कि बस बैग हमेशा ऐसे लगा रहे छाती से चिपका हुआ। हल्की हल्की भीड़ दिख रही है मुझे, यहीं से दिख रही है। गाड़ियाँ वाड़ियाँ पार्क करने के लिए थोड़ी थोड़ी साइड साइड में जगह रहती है, वैसे तो उतनी गाड़ियाँ नहीं आ सकती, बट हाँ फिर भी लोग पार्क कर देते हैं आसपास जगह देख के। अभी यहाँ पे पूजा की तैयारी हो रही है और यहाँ ये ढाकी जो बोलते हैं ये इंस्ट्रूमेंट सेटों का कल्चर प्रोग्राम भी वहाँ पर होते हैं, वो स्टेज है। अब देखते हैं और क्या क्या होने वाला है। ये सारे अरेंजमेंट आरती के लिए हो रहे हैं क्योंकि जैसा उसमें टाइम लिखा हुआ था 6 बजे आरती हो जाएगी, बट यहाँ पर कुछ लेट हुआ था तो ऑलमोस्ट 7:45 हो गया था आरती के टाइम के लिए, तो वही सारी प्रिपरेशन चल रही थी। जो लोग आगे बैठे हुए थे उन लोगों को भी काफ़ी पीछे कर दिया था क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट बजेंगे, तो आगे जो स्पेस है वो दोनों जी डांस के लिए है, तो वो स्पेस छोड़ रखा है।
अभी हम लोग भोग खाने के लिए आ गए हैं, जिसमें है आज स्पेशल खिचड़ी माता के प्रसाद में और सब्जी। क्या हो रहा है जय जय भगवान जी? व्हाट इज दिस? बैठो बैठो बैठो। हाँ, देखिए कैसा होता है आज के जमाने का 2024 का। वन टू एंड थ्री। हलवा चला तो ठीक है, ये पूरी की वजह नान लग रहा है। ये नान इनको दी गई। एक बारी में ऐसा लग रहा है जैसे कि कुलचा है। कुलचा दी गई है, बटर नान कुलचा। सच में नहीं बन रहा होगा किसी को पूरी। हलवा चना तो भाव से निकाला है किसी ने प्यार से। ये देखिए इतने सारे गिफ्ट हैं जो मंदिर से आज स्वधी को मिले हैं। इसमें कलर्स हैं, क्लिप्स हैं, बारबी डॉल का मेकअप है, रबर बैंड्स हैं, ये डॉल हाउस के लिए पूरे क्लिप्स वगैरह हैं, हेयर क्लिप्स हैं। इसके अंदर भी बहुत कुछ है जो स्वधी को बहुत पसंद आएगा। इसके अंदर खोल के देखा नहीं है। क्लिप्स वगैरह, पेंसिल एंड ऑल, दो तरीके के स्केच कलर मार्कर्स ये सब मिले हैं। बाकी चिप्स और जूस और ये सब चॉकलेट्स एंड ऑल। चॉकलेट तो बहुत सारी थी जो मैंने हटा दी हैं। बाकी फल वल बहुत सारे मिले हैं और प्रसाद तो बहुत ही मिला है, तो मैंने कहा चलो आपको दिखा देती हूँ। अष्टमी पे तो नहीं, लेकिन हाँ आज आखिरी नवरात्रा था माता रानी का, तो इतने सारे गिफ्ट मिल गए उसको। अभी हम लोग माता की चौकी सेलिब्रेट करके और अच्छे से भजन का आनंद लेके आ चुके हैं घर, और स्वधी को भी इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिले हैं। और मैं हर बार, जैसे आप लोगों को पता है, दुर्गा पूजा घुमा रही थी, तो इस बार मैंने सोचा कि चलो नवरात्रि का आखिरी दिन है, नवमी है आज, तो माता की चौकी इंजॉय कर लेते हैं। तो बस वही गए थे, वहाँ पर प्रसाद लिया और स्वधी को जो भी भोग प्रसाद में उसको मिला है, कंजक वाली गिफ्ट्स मिले हैं, लड्डू और कहीं कहीं जगह से लड्डू ही दे दिए, किसी ने हलवे दिए, चने दिए, पूड़ियाँ, ये सब मिला था पूरा का पूरा। तो वहाँ से आते आते हम लोग को 2-2.5 घंटा हो गया था, तो मैंने कहा अलग से क्या ब्लॉग बनाती हूँ, यही माता के कंजक के ब्लॉग में ही आपको ऐड करके बता दूंगी कि हम लोगों ने किस तरीके से यहाँ पर अष्टमी और नवमी सेलिब्रेट करी। अब हम लोग का प्लान है, यहाँ पर है वीकेंड, लॉन्ग वीकेंड, तो हम लोग 2 दिन के लिए प्लान कर रहे हैं कहीं अच्छे से जगह पर घूम कर आने के लिए। अब इसमें और भी दुर्गा पंडाल हो सकते हैं या अच्छी अच्छी नई लोकेशंस हो सकती हैं, उसके लिए आपको मेरा ब्लॉग देखना पड़ेगा। अब मैं मिलूंगी आपको नए ब्लॉग के साथ। आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोग को कैसा लगा मेरा ब्लॉग प्लीज मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी कल नई वीडियो के साथ। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल स्वधी इज वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।